चैप्टर सिक्स देख रहे हैं ट्राइंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि आगे इसका बहुत उपयोग होने वाला है। कैसे ट्राइंगल में हम सिमिलैरिटी करेंगे, कैसे ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे, साथ में पाइथागोरस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने पहले देखा कि क्लास नाइन्थ में भी बहुत सारी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज हमने देखी। हमने ये भी देखा कि कैसे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एकदम एक जैसे। याद करिएगा कि दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनका शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा हो। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वो फिगर की बात करेंगे जिनका शेप सेम होगा, साइज सेम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो शेप पे ध्यान देंगे। तो अगर दो फिगर सेम शेप के हो, चाहे साइज के ना हो, तो उन्हें हम सिमिलर फिगर्स कहेंगे। इसलिए जो फिगर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ट्राइंगल के बारे में देखेंगे, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, और इसी को हम देख के एक सिंपल प्रूफ भी देंगे पाइथागोरस थ्योरम का, जो हम पहले देख चुके हैं। क्या आप इसमें गैस कर सकते हैं माउंट एवरेस्ट या कोई डिस्टेंस, हाइट इस की आप जानिए कि कितनी होगी, या डिस्टेंस किसी ये जैसे मून है, इसका डिस्टेंस आपसे कितना है, क्या ये आप जान सकते हैं? अब आप ये समझ सकते हैं कि क्या इसको हम इंच टेप से नाप सकते हैं, क्या आपके पास इंच टेप है तो नाप सकते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, कोई भी चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सब जो डिस्टेंसेस नापे गए हैं जो आपके सामने है, वो सारे इनडायरेक्ट मेजरमेंट से नापे गए, और ये सारे नापे गए हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर से। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर से। सिमिलर फिगर्स क्या है? आपने जैसे पहले देखा कि जो सर्कल जिनके सेम रेडियस होते थे, हम उनको कहते थे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। जो भी स्क्वायर होंगे जिनके साइड सेम होंगे, वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिनके तीनों साइड सेम है, हम ये कहेंगे कि वो सारे सेम है। लेकिन इस जगह अगर देखें, इस फिगर में क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, एक फौरी तौर पे देखने पे तो पता लग रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपसे कि ये सिमिलर है, दे आर सिमिलर, तो आप कहेंगे हां ये सिमिलर है, हां इनका साइज सेम नहीं है, लेकिन ये सिमिलर है। इसका मतलब ये है कि क्या एक सर्कल और स्क्वायर सिमिलर हो सकता है? क्या इस बारे में सोचे, क्या एक सर्कल और क्या एक स्क्वायर सिमिलर हो सकता है? आप क्लियर देखें फिगर, आप ये कहेंगे कि ये बिल्कुल अलग फिगर है, ये बिल्कुल अलग फिगर है, दे आर नॉट सिमिलर। जरा इस फिगर के बारे में बात करिए। आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, यहां पर दूसरा क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस। साइज में थोड़ा अंतर है, लेकिन देखने में दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों सिमिलर हैं। लेकिन अभी भी केवल फिगर को देख के, केवल एक परसेप्शन को देख के आप नहीं कह सकते कि ये सिमिलर है। हां, दिखने में ये एक जैसे दिख रहे हैं, बट मैथमेटिकली अगर हम प्रूव करना चाहें, मैथमेटिकली बताना चाहें, तो हमारे पास कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए इसके लिए, और मैथमेटिकल प्रूफ होना चाहिए, राइट? तो हमारे पास कोई ना कोई सिमिलैरिटी ऑफ फिगर का कोई ना कोई डेफिनेशन हो, और ये डेफिनेशन किसी रूल पे डिसाइडेड हो या किसी रूल पे बेस्ड हो, उससे हमें पता चलेगा कि जो फिगर्स हैं ये सिमिलर हैं कि नहीं। अब ये ताजमहल की फोटो देखिए आप, ये बड़ी है, मान लीजिए कोई 500x400 की है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये 400x300 की है, ये मान लीजिए 300x200 की है, पिक्सल्स में अगर मैं बात करूं। आप ये कहेंगे कि ये तो ताजमहल की है, लेकिन इनकी साइज अलग है, लेकिन अभी भी सवाल उठता है क्या ये सिमिलर है?
क्या आप ये कह सकते हैं कि एक एग्जांपल फोटो देख के कि एक जो बंदा है 10 साल का वो बराबर है 40 साल के बंदे से, क्या ये ऐसा हो सकता है? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर एक फोटोग्राफर के सामने आ गई कोई नेगेटिव, तो आप सेम नेगेटिव आप उसको दे दीजिए, तो बता सकता है कि ये दोनों एक है कि नहीं। आपने स्टैम्प साइज, पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज, ये सब सुना होगा। क्या होता है, ये अलग अलग साइज है। जैसे 35 मिलीमीटर साइज, उसको बड़ा कर दें तो 45 मिलीमीटर साइज हो जाएगा, 55 मिलीमीटर साइज हो जाएगा। तो आप कर क्या रहे हैं इसमें, आप एक ही चीज को थोड़ा सा इनलार्ज कर रहे हैं या थोड़ा श्रिंक कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, राइट? तो आपने किया क्या कि हमने किसी रेशियो में अगर इसको बढ़ाया, उसी रेशियो में हमने इसको और बढ़ा दिया। जैसे 2/3 किया, मैं एग्जांपल लेता हूं, ये बड़ा नंबर लेता हूं, नहीं लेता हूं, बड़ा छोटा ले नंबर लेता हूं, 2/3 इसको कर दिया। अब अगली बार आपने इसको क्या किया, मान लीजिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/6 कर दिया, फिर से चाहे 3/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आपने क्या किया, 12/18। तो ये 2/3, 4/6 और 12/18, ये सारे रेशियो एक ही तो है। ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। इसका मतलब ये होगा कि हमेशा जो इंक्लिनेशन है, मान लीजिए कोई एंगल है, वो सेम रहेंगे, केवल ये इस तरीके से साइज में बढ़ जाएंगे। तो दो पॉलीगन जिसके साइड सेम है उसको हम सिमिलर कब कहेंगे, यदि उनके एंगल इक्वल हो या उनके करस्पॉन्डिंग साइड किसी प्रपोर्शन में हो। या तो एंगल सेम हो, करस्पॉन्डिंग मतलब अगर ए इस एक ए की बात करें तो अगले वाले में भी ए ही की बात करेंगे, जैसे ये एंगल है, ये ट्राइंगल है, तो जब आप इसकी बात करेंगे इस एंगल की, तो आप इसकी बात नहीं कर सकते, आप इसकी बात करेंगे तो इसी के बारे में जानेंगे, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए और साइड प्रपोर्शन में, क्योंकि आप एनलार्ज और उसको श्रिंक कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो रेशियो सेम होगा। इसको हम कहते हैं स्केल फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किसी भी पॉलीगन का। आप जरूर वर्ल्ड मैप और ग्लोबल मैप के आपने बारे में सुना होगा कि इसका स्केल है। स्केल का मतलब क्या होता है कि जो आपके मैप पे साइज है और जो एक्चुअल साइज है, एक्चुअल साइज और मैप पे साइज। आप देखिए एक मैप होता है, ये तो पूरे विश्व को दिखा रहा है, लेकिन ये एक कागज में आ जाता है, छोटे से कागज में कैसे दिखा रहे हैं आप? ये जो बोलेंगे 1 सेंटीमीटर जो होगा मान लीजिए 1000 किलोमीटर के बराबर होगा। तो इस इन दोनों का रेशियो, इसको डिवाइड करिए इससे, तो उसे हम कहते हैं स्केल। अब जरा एक एक्टिविटी की जाए, एक एक्टिविटी कैसे की जाए, एक बल्ब यहां रखा जाए और उसके बाद यहां पर आप क्या करें कि यह सीलिंग पे लगा दिया जाए और आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है, ओके। अब क्या करिए, जो इसका शेडो देखिए, जो शेडो आ रही है, ये इसकी शेडो आ रही है, ये ABCD है, तो ये A'B'C'D' हो जाएगा। ये है क्या, ये तो इसका मैग्निफिकेशन ही तो है, सेम चीज है, इसका मैग्निफिकेशन है, क्योंकि लाइट जो होती है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो इसने क्या किया कि प्रोपेगेट किया। तो A' और A एक ही लाइन में हो रहे हैं, B' और B एक ही रे में हो रहे हैं, इसी तरीके से C'C' D'D'। तो जो ABCD और ABC A'B'C'D' देखा आपने, ये साइज तो अलग है इनका, साइज आर नॉट इक्वल बट दे आर ऑफ सेम शेप। तो क्वाड्रिलेटरल A'B'C'D' ये सिमिलर है क्वाड्रिलेटरल ABCD के, राइट? इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अब ये इसके सिमिलर है तो ये भी इसके तो सिमिलर होगा, राइट? तो अब जो वर्टेक्स है A' का वो करस्पॉन्ड कर रहा है A को, ध्यान रखिएगा A' को कर रहा है, B' को कर रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, A' करस्पॉन्डिंग के लिए ये साइन ले रहे हैं, A'B'C'D'। अगर हम एंगल मेजर करते हैं और साइड मेजर करते हैं दो क्वाड्रिलेटरल का, जिनकी हमने बात की, एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, इसमें A' के बराबर है, B' के बराबर है, C' के बराबर है, D' के बराबर है, ये आपको मिलेगा। और जो रेशियो है AB का A'B' से, यानी कि इस लेंथ का AB का A'B' से, AD का A'D' से, इसी तरीके से बाकी चारों का आपका रेशियो सेम होगा। हम फिर से यही बताना चाहते हैं कि दो पॉलीगन अगर उनके साइड
जिनके जो पॉलीगन जिनके सिमिलर साइज है, जैसे क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं। ये तभी सिमिलर होंगे जब पहली चीज तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और दूसरा उनके साइड जो है वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं। अब इससे क्लियर हो गया कि जो ये दोनों आपके दो क्वाड्रिलेटरल है, जो ए बी सी डी है और आपका पी क्यू आर एस है, इसमें ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, 105 इसके बराबर है, 100 इसके बराबर है, एंगल सारे इक्वल हो गए। 2.1 डिवाइडेड बाय 4.2 इज इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाय 4.8 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 5.0 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 3.0, ये सारे के सारे हाफ के बराबर आएंगे, करके देखिएगा इसको। तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि एक पॉलीगन सिमिलर है दूसरे पॉलीगन से, तो दूसरा पॉलीगन तीसरे से है तो पहला भी तीसरे से होगा, ये भी इसमें बात है। दो क्वाड्रिलेटरल, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है लेकिन जिनके साइड्स सेम रेशियो में नहीं है, वो आपके सामने ये एग्जांपल है। आपको एक जैसे दिख रहे हैं, अगर आप पहली बार देखेंगे, अगर मैंने ये जो पिछला डिस्कशन नहीं किया होता, अगर आप नहीं सुना होता, तो आप ये कहते कि देखिए साहब ये भी दोनों एक जैसे लग रहे हैं, सब कुछ सही सही लग रहा है एकदम, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, एंगल आप बोल रहे हैं सबके 90 डिग्री है और रेशियो भी एक जैसे आ रहा है, करके देखिए 3/3.5 इज इक्वल टू 3/3, नहीं रेशियो भी गलत हो गया, 3/3.5 करेंगे तो 3/3 के बराबर आएगा ही नहीं। इसी तरीके से स्क्वायर और रॉम्बस, उसको देख लीजिए कि क्या ये सिमिलर है, क्योंकि स्क्वायर और रॉम्बस में क्या आता है, स्क्वायर रॉम्बस यहां देखिए, स्क्वायर रॉम्बस में होता यह है कि इसको समझिए कि आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स वो तो सेम रेशियो में आ जाते हैं लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें इक्वल नहीं है, तो इसमें ये दोनों आपके सिमिलर नहीं हुए। तो दोनों कंडीशन एक साथ प्रूव होनी चाहिए, मतलब एक साथ होनी चाहिए, एक और दो ये इज नॉट सफिशियंट फॉर देम टू बी सिमिलर। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि एक तो एंगल इक्वल हो और दूसरा साइड जो है वो सिमिलर हो। अब हम बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, तो सिमिलर क्योंकि अभी अलग अलग पॉलीगन्स के बारे में जाना, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, ट्राइंगल मतलब जिसके तीन साइड हो, क्योंकि ये भी पॉलीगन है, जिसके एन साइड होते हैं, मतलब ये मिनिमम है क्योंकि दो साइड का कोई भी क्लोज फिगर नहीं बन सकता, कम से कम एक और लगाना पड़ेगा। तो पॉलीगन यहां से शुरू होता है, एन इक्वल टू 3 से पॉलीगन शुरू होता है। तो हम यही कंडीशन जो है, दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, वो दो ट्राइंगल अगर हमारे पास सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो सेम होना चाहिए या उनका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि इसके एंगल, ये एंगल इससे इक्वल है, ये एंगल इससे इक्वल है, ये एंगल इससे इक्वल है, तो हम कहेंगे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल साहब, इन्होंने क्या बताया कि रेशियो किसी भी दो करस्पॉन्डिंग साइड का दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में हमेशा सेम होता है, जो हम आज बात कर पा रहे हैं। इस रिजल्ट को कहा गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो अगर ये इनकी जो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है इसको समझना है तो एक एक्टिविटी करते हैं। एक एंगल बनाइए एक्स ए और वाई, ये एंगल बनाओ। अब इसके आर्म में मान लीजिए ये ए एक्स आर्म है इसका, आप 5 पॉइंट कर दीजिए, जैसे पी क्यू डी आर बी, ये इस तरीके से करिए कि ए पी पी क्यू के बराबर, सब सबका इक्वल साइज हो, ये सारे इक्वल साइज के कटिंग, मतलब सबका साइज सेम है। अब इस बी के थ्रू आप एक काम करिए, एक ऐसी लाइन बनाइए जो वाई को इंटरसेक्ट करे सी पे, ठीक है, यहां तक बन गया। डी से लीजिए, अब आपको ये जो लाइन यहां से बनानी है जो वाई पे जाके टकराए, वो बी सी के पैरेलल बनानी है आपको। अब आपने देखा कि आपके कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, जो एडी है, ये एडी बाय डीबी, ये कितना है, ये क्योंकि सब इक्वल है तो ये वन पार्ट, ये कुल मिला के हो गया 3 और ये कुल मिला के हो गया 2, ये हो गया 3/2। आप AE को मेजर करिए,
और इसी को मेजर करिए, दोनों का रेशियो निकालिएगा, आपको 3/2 ही मिलेगा, आपको 3/2 ही मिलेगा। तो हम ये देख पा रहे हैं इस ट्राइंगल में, ए बी सी में, ये वाला ट्राइंगल जो है इसमें डी ई और बी सी पैरेलल है, तो ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ये किस लिए है, ये कॉन्सिडेंस नहीं है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है थेल्स आपका। एक थ्योरम देखते हैं, अगर एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं पैरेलल किसी भी साइड के ट्राइंगल के, और आप उसको किसी भी एक पॉइंट पे यहां टकराते हैं, यानी कि आपने क्या किया, मैं अभी बताता हूं आपको, इसको हम करके देखेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि अगर यहां से लाइन बनाई जाए और जो इस किसी एक बेस के या किसी भी साइड के पैरेलल हो, तो जो ये दोनों साइड है, ये दोनों जो आपने यहां से बनाया और पैरेलल बना लिया, ये तो केवल पैरेलल वाली अपने लेके चला आप, लेकिन ये जो साइड इसमें बन गए, ये आप अपने आप में इनका रेशियो सेम हो जाएगा, दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसको करके देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। इसमें क्या किया, एक लाइन हमने बनाई बी सी जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और ए सी को, हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन बनाई डी से और यहां पर ई पे टकरा गई। तो हमने क्या किया कि डी ई पैरेलल है बी सी के और डी और ई कोई पॉइंट है आपके ए बी और ए सी पे, हमको प्रूव करना है ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे कि हम क्या करते हैं, बी और ई को ज्वाइन कर दीजिए और सी डी को ज्वाइन कर दीजिए। इसी तरीके से आप डीएम, ये डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए किसको, इस लाइन पे एसी पे, और ईएन ड्रॉ करिए ये वाला एबी पे। अब जरा देखिए एडीई का ये इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, एडी बेस है क्योंकि ऑल्टीट्यूड ये बनाया ना, एडी बेस है, ऑल्टीट्यूड आपका एनई हो गया, तो हाफ इंटू एडी इंटू ईएन। ओके, इसी तरीके से एरिया, अगर हम ट्राइंगल एरिया दिखाना चाहें तो ये ए आर करके ए डी कर सकते हैं, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन। अब जरा हम इस पे आते हैं, यहां पर बी डी ई पे, इस बी डी और ई पे, बी डी और ई पे, ये वाले पे, इसमें भी यही बात रही, ये बी डी ई पे हमने क्या किया कि जो ट्राइंगल है इसमें, इस बी डी में हाफ इंटू बी डी हाफ इंटू या डी बी इंटू ई एन, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, सेम चीज हो गई ना, है ना, इसमें इसमें भी यही होगा, तो हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन हो गया। अब जरा ए डी ई को भी देख लीजिए, ए डी कौन सा हुआ, ए डी ये आपका ए हुआ, ये डी हुआ, ये ई हुआ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ए ई इंटू डी एम, तो देखिए ए इंटू डी एम, और डी ई सी देखेंगे, डी ई सी इसका मतलब यह है कि डी ई और सी, इसके लिए भी बिल्कुल सिमिलर वही बात रहेगी क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये है लेकिन बेस ये है, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब जरा ए डी ई और बी डी ई का रेशियो निकालिए, ए डी ई और बी डी ई का क्या आया, हाफ, ये तो कट जाएगा, ए डी ये ई एन भी कट जाएगा, ए डी बाई डी बी आ गया। अब जरा ए डी और डी सी ई का निकालिए, इसमें भी क्या होगा कि डी एम डी एम कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, ए ई बाई ई सी, यानी ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी आ गया। ठीक, आप देखें कि क्योंकि हम जानते हैं कि बी डी ई और डी ई सी सेम बेस पे है जो डी ई है, और सेम पैरेलल लाइंस जो पैरेलल्स हैं बी सी और डी ई पे, यानी कि बी डी ई और डी ई सी, आपका बी डी और ई, बी डी ई और दूसरा क्या है डी ई सी, बी डी ई और डी ई सी, आपका ये डी और ई और सी, क्योंकि ये एक ही बेस है इनका, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक ही बेस है। इसका मतलब हम ये जानते हैं कि अगर बेस सेम हो और सेम पैरेलल के बीच में हो तो इन दोनों का एरिया भी सेम रहेगा। इसका मतलब ये हम निकाल चुके हैं अभी भी, ए डी बाई डी बी और ए बाई ई सी इक्वल है, यहां से हमने निकाला अभी भी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। तो यहां से हमें प्रूव हो गया कि
अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तीसरी ट्रायंगल में एक बेस से पैरेलल, तो जो दो पॉइंट बनते हैं दूसरे साइडों पे, वो हमेशा उन साइडों को किसी इक्वल रेशियो में कट करेंगे। क्या इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है? चलिए इसके लिए भी एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स ए और वाई ये आपके नोटबुक में बनाइए आप, और इस ए एक्स पे आप पॉइंट मार्क कर दीजिए B1 से लेकर ये B4 तक, और इस तरीके से बनाइए ये वाले पॉइंट कि AB1 ये सारे इक्वल हो, ये सब इक्वल हो, ठीक। इसी तरीके से आप क्या करिए कि एक रे AY पे भी ये वाले पे आप इस तरीके से C1 C2 डालिए, ताकि ये AC1 C1 C2 C1 C2 C3 C3 C4 ये सारे इक्वल हो जाए। अब आप करिए B1 C1 को ज्वाइन करिए और देखिए B1 और C1 को और B और C को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये ऑब्जर्व करिए, इसको बाद में करते हैं, पहले AB1 बाय B1B ये किसके बराबर हुआ, AC1 बाय C1C है ना, क्योंकि हमने बराबर काटा, ये वन साइड ये वन है तो ये वन है तो दोनों बराबर हो गए, दोनों 1/4 हैं क्योंकि ये चार भाग में बटा हुआ है। अब इसमें एक चीज और देखिए कि जो B1 C1 है ये वाला, ये पैरेलल है BC के, ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, हम और भी आप ज्वाइन कर लीजिए, इन सबको ज्वाइन कर लीजिए, B2 C2 को इन सबको ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम देखेंगे कि जो AB2 है B2B है सबको करके देख लीजिए, और वो बराबर हो जाएगा AC2 को की और C2 सीट के, मतलब मैं एक बताता हूं आपको, इसका मतलब है कि ये पूरा यहां तक और ये पूरा यहां तक दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये दो पार्ट है, ये तीन पार्ट है, ये तो ये तीन पार्ट है, क्योंकि हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो 2/3, 3/2, 4/1। तो इससे हम ये देख पा रहे हैं कि यदि एक लाइन डिवाइड करती है दो साइड को ट्रायंगल में, अगर वो सेम रेशियो में है तो लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा तीसरे साइड के। इसको और भी आप बढ़ा सकते हैं, हर बार आपको इसी तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। तो कॉन्वर्स अगर इसका जानना है, अभी हम कॉन्वर्स देख रहे हैं जो हमने अभी पिछला थ्योरम देखा था, यदि एक लाइन डिवाइड करती है किसी दो साइड के ट्राइंगल को सिमिलर सेम रेशियो में, तो वो लाइन हमेशा पैरेलल होगी थर्ड साइड के। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करिए, एक लाइन लीजिए DE ये वाली, और एक लाइन इस DE को लीजिए, पहले DE को ले रहे हैं आप, तो इससे इस थ्योरम से क्या है कि AD बाय DB बराबर हो जाएगा AE और EC के बराबर। अब DE पैरेलल नहीं है BC के, अब एक काम करिए DE डैश करिए जो पैरेलल बनाइए BC के। अब AD बाय DB क्या है, ये AE डैश और E डैश C के बराबर है, ये जो AD बाय DB, अरे अच्छा ये क्यों आया, ये बड़ा सवाल है, मैं अभी बताता हूँ आपको। इसी तरीके से AE, ये AE बाय E डैश C ये बराबर, ये AE बाय EC ये किसके बराबर हो गया, AE डैश और E डैश C के बराबर, राइट। तो ये कैसे आया पहले इसको समझिए, ये इसलिए हुआ कि जब AD और DB आप कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि वो AE बाय EC के बराबर है, तो AD बाय DB AE डैश के, क्योंकि E डैश जब यहां बढ़ा इस जगह पे आया, तो ये जो पोर्शन है इतना ही इसमें घटा और इतना E डैश में बढ़ गया, तो सेम पोर्शन यहां से खत्म, कम हुआ इस सेम पोर्शन से बढ़ गया, तो आपने कहा कि देखिए ये भी बराबर है क्योंकि हमने ये अज्यूम किया हुआ। इसी तरीके यही कॉन्सेप्ट से AE बाय EC ये बराबर हो जाएंगे AE डैश और EC डैश, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन तो क्या है, ये जो छोटा सा पोर्शन ये वाला जो देख रहे हैं यहां से यहां तक वाला, ये छोटा ही पोर्शन तो दोनों में, एक में घटा है तो एक में बढ़ा है ना, चेंज तो कुछ हुआ नहीं। अब क्या करें आप, ये तो चीज आपको मिल गई, अब क्या करिए एक एक जोड़ दीजिए दोनों साइड। अब ये देखेंगे कि जब हम जोड़ देंगे इसको तो ई और ई डैश को इनसाइड करेंगे, प्लस वन करके देख लीजिए, इसको प्लस वन करेंगे तो AD प्लस DB बाय DB, मतलब AD प्लस DB हो जाएगा AB और AE डैश प्लस वन कर दीजिए तो AE डैश प्लस E डैश C ऊपर आएगा, यहां पर AE डैश
प्लस ई डैश सी आएगा। तो ये दोनों क्या है, ये भी एसी है, ये दोनों क्या है, ये भी एसी है। तो दोनों ई और ई डैश को इनसाइड करेंगे, दोनों एक ही होने चाहिए अगर ये चीज प्रूव होनी है। एक एग्जांपल देखते हैं, यदि एक लाइन इंटरसेक्ट करती है साइड्स ए बी और ए सी को, ये ट्राइंगल है डी और ई में रिस्पेक्टिवली, और ये पैरेलल है बी सी के, तो आपको प्रूव करना है कि ये ए डी बाय पूरा ए बी, पूरा ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय पूरा ए सी। तो इसमें क्या है, हम जानते हैं कि जब ये थ्योरम 6.1 से कि जब ये इंटरसेक्शन होता है और ये पैरेलल है तो ए डी, ए डी बाय डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, अब एक काम करिए कि इसको जरा रिवर्स कर दीजिए, यानी कि हम इसको ऊपर लेगा इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर लेगा इसको नीचे ले आए। अब दोनों साइड जरा प्लस वन कर दीजिए, प्लस वन करेंगे तो ये क्या होगा डी बी प्लस ए डी बाय ए डी, ये प्लस वन करने पर ये होगा डी बी प्लस ए डी बाय ए डी, और इसको प्लस वन करेंगे तो ये होगा ई सी प्लस ए ई बाय ए ई। अब देखिए डी बी प्लस ए डी क्या है, ये पूरा ए बी हो गया, यहाँ ए बी लिख दिया। ए सी प्लस ए ई क्या हो गया, ये पूरा ए सी, ये लिख दिया। तो ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय ए ई। अब जरा इसको फिर से रिवर्स कर दीजिए, तो इसका मतलब ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी, ये आ गया। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि आपके पैरेलल साइड्स होते हैं लेकिन ये पैरेलल नहीं होते, दो अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होते, दो बस अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी और डी सी आपके पैरेलल साइड है, ई और एफ ये वो पॉइंट्स हैं जो नॉन पैरेलल साइड पे आपने लिए, और ई एफ ये है पैरेलल ए बी के। अब तो ये इसके भी पैरेलल होना चाहिए, आपको शो करना है कि ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी। राइट, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, इस ए सी को ज्वाइन कर देंगे, इस यहां से यहां तक ए सी को ज्वाइन करेंगे ताकि ये इंटरसेक्ट करे ई एफ को किसी जी पॉइंट पे, किसी जी पॉइंट पे। अब ए बी पैरेलल है बी सी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो ई एफ और डी सी भी पैरेलल हो गए, क्योंकि हमको क्वेश्चन, हम ये जानते हैं कि ये दोनों तो पैरेलल है ट्रेपेजियम है इसलिए, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इसलिए इसकी खानापूर्ति के लिए, वरना ए बी ई एफ और डी सी तो पैरेलल होंगे, क्योंकि ये इससे पैरेलल है तो ये भी इससे पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रेपेजियम है। चलिए अब जो यहां पर इंटरसेक्शन किया उसको देखिएगा, यहां पर इंटरसेक्शन किया ना, एक ट्राइंगल जरा ए डी सी देखिएगा बहुत ध्यान से, ए डी और सी, इसमें क्या है ई जी पैरेलल है डी सी के, ठीक, क्योंकि अब ई जी, क्योंकि पूरा ई एफ पैरेलल है जब डी सी के, तो ई जी भी पैरेलल होगा इसके, इसका मतलब ए ई बाय ई डी विल बी इक्वल टू ए जी बाय जी सी, थ्योरम 6.1। इसी तरीके से ट्राइंगल सी ए बी में आ जाइए जरा, आपको कौन सा है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। इस ट्राइंगल में क्या है, सी जी आपका, ये सी जी बाय ए जी विल बी इक्वल टू सी एफ बाय एफ बी, जरा इनको उल्टा कर लीजिए, ए जी बाय जी सी इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी। एक और दो से आपको क्या मिला, देखिए ए जी बाय जी सी इसके बराबर है, यहाँ ए जी बाय जी सी इसके बराबर है, तो ये दोनों को, ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ए बाय ई डी इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी, यही करना था हमको। एक और एग्जाम्पल है, इस फिगर में देखिए पी एस बाय एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय टी आर, और जो ट्राइंगल पी एस टी है, ये वाला एंगल ट्री पी एस टी है, वो पी आर क्यू यानी इस एंगल के बराबर है। आपको ये प्रूव करना है कि पी क्यू और आर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमें ये मिला हुआ है ये वाली चीज। इसका मतलब जब ये रेशियो इसका इसके बराबर है, इसका इसके बराबर है, इसका मतलब एस टी जो है वो इसके पैरेलल है, ये क्लियर हो गया है ना, थ्योरम 6.2 से ले लिया हमने। और क्योंकि ये एंगल पी एस टी और पी क्यू आर, ये वाला पी क्यू आर, ये इसके बराबर है, क्योंकि जब ये पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई है। इसी तरीके से हमको गिवन क्या है, ये एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, एक और दो से हम क्या लेंगे, पी एस टी पी क्यू आर के बराबर है, पी एस टी पी आर क्यू के भी बराबर है,
तो पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर हो गया। जब पी आर क्यू यानी कि पी आर क्यू ये वाला एंगल और पी क्यू आर यानी कि दिस पी आर क्यू एंड पी क्यू आर, सो पी एंड क्यू एंड आर एंड पी आर क्यू, ये दोनों जब एंगल इक्वल है इसका मतलब क्या है कि दोनों एंगल इक्वल हुए तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये हमने अभी पहला पार्ट देखा आपके ट्रायंगल्स का, और भी बाकी है। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।